अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इकदाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा, अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है, बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा।